अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली जो वीडियो का मकसद है बनाने का वो कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स के हवाले से है। हमें बहुत सारे फोन कॉल्स आती हैं और जिनमें मोस्टली लोगों का जो होता है कि वो कोशिश उनकी ये होती है या वो इंसिस्ट करते हैं कि जी हमें कोई जुगाड़ वाली बात बताएं कि हम कोई कम खर्च में हम अच्छा एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बना सकें जिसमें हम थ्रू आउट द ईयर जो है कमर्शियल फार्मिंग कर सकें। अच्छा, बेसिकली काफ़ी लोगों ने पंजाब में, मुझे इल्म है इस बात का, कुछ लोगों ने सिंध में भी बनाया है, और हम हमेशा मना करते हैं कि पॉलीइथिलीन जो फिल्म होती है, ग्रीन हाउस फिल्म जिसको कहते हैं, उसमें हम जो है ग्रीन हाउसेस ना बनाएं, ठीक है। और उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि आप अगर अपर एरियाज़ में रह रहे जाए लाइक स्वात में या अहमदाबाद में या कहीं ऐसे मालम जब्बा वगैरह में, तो वहाँ तो चले आपका पॉलीथिलीन फिल्म चल जाएगी थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इनफैक्ट दिसंबर जनवरी में भी आपको थोड़ी बहुत हीटिंग का करना पड़ेगा सिस्टम। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जैसे कराची में, लाहौर में, पंजाब के कुछ और दूसरे एरिया जिसमें इस्लामाबाद हो गया, इसमें हम पॉलीथिलीन में कोई ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बनाएँ और उसमें हम थ्रू आउट द ईयर विंटर की कोई क्रॉप ले सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप 6 मंथ्स तो आप मज़े से क्रॉप लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट होगा फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इवन अक्टूबर तक, तो फिर आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो के हो जाएगी हिसाब से, और फिर आप जो है अपने प्लांट्स को सिर्फ बचाने के चक्करों में लग जाएंगे और प्रोडक्शन आपकी जो है यील्ड जो है ना होने के बराबर हो जाएगी, बल्कि पौधे उल्टा मरने लग जाएंगे और फिर वो मुख्तलिफ डिजीजेस, इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक और ये वो दूसरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखें, लोग आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि हम खर्चा कम करें और जल्द से जल्द जो है हम ROI अचीव कर लें, मतलब रिटर्न ऑफ इस इन्वेस्टमेंट जो है हम विद इन फ्यू ईयर्स हम अचीव कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम कोई दो नंबर कारोबार ना करें, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस में प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इंटरनेशनल SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पॉलीकार्बोनेट में बनाएंगे तो आपका थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन होगी, उसकी भी कुछ और एलिमेंट्स हैं जो हमने लाजमी इम्प्लीमेंट करने होते, विदाउट उन एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट किए या उन एलिमेंट्स को लगाए हुए हम पॉलीकार्बोनेट में भी 12 महीने प्रोडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें काफ़ी साइंस इन्वॉल्व होती है। लोग क्या कहते हैं हमसे पूछते हैं जी, अच्छा आपने कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट में बनाते हैं। अब लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम खुद करते हैं। अब वो खुद कर दिया, वो खुद क्या है, पॉलीकार्बोनेट की शीट्स उन्होंने परचेस कर ली, एक आयरन स्टैंड बना के, स्ट्रक्चर बना के छोटा सा बना लिया, जो भी बना लिया, और उसके अंदर वो फैन लगा के, कूलिंग पैड लगा के काम हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी साइंस इन्वॉल्व है, इसमें बाकायदा CFM कैलकुलेट किए जाते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। वो हम बाद में जब हम जो कोई एग्रीमेंट करता है तो फिर हम बताते हैं कि जी हम लोग ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं या फिलाना लगा रहे हैं। तो याद रखें, कभी ग्रुप में भी, हमारे फेसबुक ग्रुप में भी किसी साहब ने पूछा कि जी आज ही मैंने देखा है उसमें कि भाई 2 कनाल में हमने बना रहा है, तो एक साहब फरमा रहे हैं कि जी 35 लाख में पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। पॉलीइथिलीन में अगर आप हाथ में भी रखें ना, विद इन फ्यू मिनट्स आपकी स्वेटिंग हो जाएगी, इतनी ख़तरनाक पसीना आएगा, गर्मी होगी कि आप हटाएंगे फ़ौरन उसको। तो इस पॉलीथिलीन को आप अपर एरियाज में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ बात करते हैं किसी पंजाब के एरियाज लाइक इस्लामाबाद हुआ, लाहौर हुआ, मुल्तान हुआ या कराची में हुआ, कहीं भी, इनके लिए आपको पॉलीथिलीन का जो है वो स्ट्रक्चर कभी भी फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, एक तो ये कि आप उसके अंदर गर्मी बहुत पैदा होती है। ये पॉलीथिलीन जो है बेसिकली स्ट्रक्चर पंजाब में यूज़ होता है कि उन चीज़ों के लिए जब आप सर्दियों में गर्मियों की सब्जियां उगवाएं, ठीक है, तो ये तो उस वक्त तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जी मैं पैड्स लगा के या एग्जॉस्ट फैन लगा के मैं गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां लगा लूं, निकाल लूं, तो भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मिस्टिंग करते हैं, कुछ फॉगिंग करके उससे ठंडक पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है आप विंटर प्लांट्स की आप नहीं ले सकते। फिर बोलते हैं जी, एक साहब फरमा रहे यार एनर्जी कॉस्ट बहुत है पाकिस्तान में, जो है ना हमारे ग्रुप में ही मैंने अभी देखा है, तो वो कह रहे हैं जी एनर्जी कॉस्ट बहुत आती है, आप टर्किश बेस्ड जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ करें, वो बहुत लो कॉस्ट होते हैं। भाई कौन सा टर्किश बेस्ड लो कॉस्ट होते हैं? टर्की में भी जितने भी ग्रीन हाउसेज बनते हैं प्रोफेशनल कमर्शियल ग्रीन हाउसेज, वो भी जो हैं प्रॉपर पॉलीकार्बोनेट शीट्स में स्ट्रक्चर में बनते हैं, उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होता है, प्रॉपर पूरी साइंस इन्वॉल्व होती है, और भी बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन के लिए लाजिम जुज हैं उसके,
उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगर आप समझते हैं कि जी आप सिर्फ पॉलीथिलीन शीट लगा लें और प्रोडक्शन हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू आउट द ईयर, नहीं हो सकती। सिक्स मंथ हो जाएगी, सिक्स मंथ आप बैठे हुए मुंह देखते रहेंगे और प्रोडक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को बचाने में लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात स्ट्रक्चर में, अभी अभी थंडरस्टॉर्म आया एक बड़ा ख़तरनाक अभी कुछ अर्से पहले, लास्ट मंथ, उसमें एक साहब ने चाइना से इम्पोर्ट किया, ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म, वो खड़ के बर्बाद हो गया। तो यही बात थी पॉलीथिलीन के अंदर, ये भी है कि उसके अंदर जो लॉकिंग चैनल्स होते हैं और वो जो पाइप पीवीसी के जीआई यूज होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत प्रोडक्शन जो इसकी जो अगर कोई ख़तरनाक स्टॉर्म आ जाए तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पॉलीकार्बोनेट का, इसमें अल्लाह ना करे 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी अगर आंधी तूफान या कुछ ऐसा स्टॉर्म आता है तो आपका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, क्रॉप आपकी भी इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, और प्रोडक्शन आपकी थ्रू आउट द ईयर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको 12 महीने ही प्रोडक्शन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है पॉलीकार्बोनेट में। पॉलीकार्बोनेट में पॉलीइथिलीन में, जिसको ग्रीन हाउस फिल्म भी कहते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो ज़्यादा लगती है प्रोडक्शन लेने के अंदर। अगर आप पॉलीइथिलीन लगाएंगे तो एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, एनर्जी के जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट में इतना खर्चा नहीं होता है क्योंकि हीट इम्पैक्ट ये काफ़ी हद तक रोकती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है और इसीलिए पंजाब में वो सर्दियों के अंदर गर्मियों की सब्जियां बनाने के लिए वो पॉलीथिलीन के हुप हाउसेज बनाते हैं, हाई टनल बनाते हैं, लो टनल बनाते हैं और उसके अंदर फिर ये प्रोडक्शन लेते हैं समर क्रॉप्स की, विंटर के सीज़न में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जुगाड़ के, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो उसके चक्कर में रहते हैं कि भाई सस्ता काम हो जाए और हमारा जो है प्रोडक्शन भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी अगर समझता है कि ग्रीन हाउस प्रोडक्शन आप ले सकते हैं थ्रू आउट द ईयर विंटर क्रॉप की, वो भी पंजाब जैसे इलाके में, एरिया में, नीचे वाले मतलब अपर एरियाज लाइक सवात या मलनजब्बा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, पंजाब की, जैसे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची और हैदराबाद, सक्कर, ठट्टा, ये सब जगहों पे ये पॉलीइथिलीन स्ट्रक्चर सिर्फ 6 महीने आपके कारमद है। बाकी 6 महीने जो है आप अगर प्रोडक्शन चाहेंगे तो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगी और वो फिजिबल नहीं होगा, माइंड इट क्लियरली, ठीक है। लोग बोलते हैं 2 कैनाल में हम बना दें, जी बन जाता है, 35 लाख रुपए लगते हैं, 25 लाख रुपए लगते हैं, लग जाएंगे बिल्कुल, इससे भी सस्ता हो जाएगा। पॉलीथिलीन का शेड बना लें आप, क्या होगा, 6 महीने प्रोडक्शन लेंगे और ऑफ सीज़न जो है आप प्रोडक्शन आपकी नहीं होगी, और असल कमाई ऑफ सीज़न में भाई, ऑन सीज़न में तो सब लोग कमा रहे होते हैं, ऑन सीज़न में क्या, आप जो रेट आपका जो मार्केट का रेट है आपने उसी रेट पे देना है। ऑफ सीज़न में होता है मार्केट आपके रेट पे चलती है, जितने में आप बेचेंगे वो फिर प्रोडक्शन आपका जो बायर है वो आपसे उतने का ही खरीदेगा, लेकिन ऑन सीज़न में जो है आप डिपेंडेंट होते हैं मार्केट के रेट के, क्योंकि आप एक अकेले नहीं होते, और भी बहुत सारे कंपटीटर आपके बैठे होते हैं जो मार्केट में बेचने के लिए बैठे होते हैं। तो भाई ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें, ये सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ ये, और मैं आपकी आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और नहीं पा रहा हूँ, कुछ बिजी हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और लोगों को मैं जो भी हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी आए हैं, प्रोफेसर्स भी आए हैं, सब ये हमसे पूछते हैं कि जी आप बताएं कि हमें हाइड्रोपोनिक्स के अंदर प्रोडक्शन अब थ्रू आउट द ईयर हम चाह रहे पॉलीथिलीन में या ग्रीन हाउस फिल्म में लगा के हम कर लें, थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा और हमारे पास पैसे बच जाएंगे। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिबल वो जब नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी की आपकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, माइंड इट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पॉलीकार्बोनेट शीट्स, ठीक है। और पॉलीकार्बोनेट शीट का लगाने का मतलब ये भी नहीं कि आपने खुद लगाया और काम चला लें और उससे काम हो जाए, नहीं, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, कहते हैं लोग ग्रीन हाउस आप ग्रीन नेट लगा लें और हम NFT सिस्टम बना के और उसमें हम प्रोडक्शन ले लें, सैलड की भी प्रोडक्शन ले रहे हैं और दूसरे भी ग्रीन्स की, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई अगर कहता है कि जी मैं सैलड की प्रोडक्शन ले रहा हूँ और ओपन एरिया में ग्रीन नेट लगा के ले रहा हूँ, वो भी गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि वो सैलड खाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी कड़वी होगी, इतना बिटर टेस्ट हो चुका होगा और विदिन जब वो थोड़ी सी बढ़ेगी उसके बाद वो फ्लावरिंग पे आ जाएगी, क्योंकि ये जब तक हाइड्रोपोनिक में जो है ना, ये ग्रीन नेट वाला चक्कर नहीं है कि आप थ्रू आउट द ईयर आप ग्रीन नेट लगा के आप काम चला रहे हो और थ्रू आउट द प्रोडक्शन ले रहे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चले मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन दिखाता हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अपनी प्रोडक्शन दिखाता हूँ अपने ग्रीन हाउस की। और कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ पूछिएगा, माइंड इट कि हम कम खर्च के चक्करों में ना पड़ें,
ग्रीन हाउस फिल्म को, पॉलीथिलीन फिल्म को साइड पर रख दें, वो सिर्फ और सिर्फ आप उस वक्त यूज़ करें जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हो, और कन्वेंशनल फार्मिंग में आप विंटर सीजन के अंदर आप अगर गर्मियों की क्रॉप लगाना चाह रहे हो, समर की क्रॉप, जब आप ये यूज़ करें। लेकिन जब आप हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो हाइड्रोपोनिक्स अब यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल ग्रीन हाउसेस, वो पॉलीकार्बोनेट शीट्स पे लगा रहे हैं, और सिर्फ पॉलीकार्बोनेट शीट के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म, उसके अंदर ही बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं जो हमने स्पेशली इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम करके देते हैं। किसी को क्यूरी हो, किसी को पूछना हो, किसी को बनवाना हो ग्रीन हाउस, तो हमारी कंपनी ये प्रोवाइड करती है, हर चीज़ टर्नकी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन से लेके हम सीड भी सिलेक्शन करते हैं, और प्लस फर्स्ट हार्वेस्ट भी हम रेडी करके देते हैं, साथ में आपके जितने भी स्टाफ होता है, लेबर होता है, उसकी ए टू जी हम हाइड्रोपोनिक्स की ट्रेनिंग भी उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब हम 6 to 7 months बाद हम जब हैंड ओवर करें प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस का, यील्ड उनकी तैयार हो, तो वो इंडिपेंडेंटली उसको स्मूथली चलाने के काबिल हों। ठीक है, चलें आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ग्रीन हाउस का, और फिर तो ये देखें आप, इसमें क्लस्टर्स माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने बेहतरीन क्लस्टर्स हैं, फ्रूट के चेरी टोमेटोज़ हैं ये, और ये भी देखें आप माशाल्लाह बेहतरीन, 38 डिग्री सेल्सियस में आपको ये इतने माशाल्लाह बेहतरीन क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, और फीलिंग उसकी 42 है, 42 डिग्री सेल्सियस के करीब देख रहे हैं माशाल्लाह। ये बीफ स्टेक के क्लस्टर्स हैं पूरे। ये 2 साल पुराना मेरा है प्लांट, और माशाल्लाह अब इसके आप देखें, अभी तक ये जो है ये क्योंकि जानबूझ के मैंने रखा था, लोग पूछते हैं कि यार एक साल बाद आप चेंज करते हैं क्या, तो सिर्फ ऐसे इसीलिए हमने उनको इसको प्लांट को रखा था। ये भी वैरायटी, आई एम सॉरी मैं वैरायटीज़ के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, कमर्शियल ग्रीन हाउस की वैरायटीज़ हैं, और हाँ अपने ग्रुप मेंबर्स को तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं जो है शेयर नहीं करूँगा, आई एम सॉरी नेम्स ना, क्योंकि ये हम अपने क्लाइंट को जो है ना आगे रिकमेंड करते हैं। ये तो पोजैनो में मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा बताया मैंने आपको पहले भी, पोजैनो की वैरायटी है। पुजैनो द ग्रेट, ये भी पुजैनो है, ब्यूटिफुल पुजैनो, लिटरली माई फेवरेट जिसे कहना चाहिए ना, फेवरेट वराइटीज में से मेरी एक ये वराइटी पुजैनो है। चेरी टोमेटोज हैं ये। अच्छा, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टेबलाइज्ड।